तहसील पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर मोमिनपुरा परिसर में कसाई के घर पर चल रहे अवैध कत्ल खाने पर छापा मारा। पुलिस ने गौ हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 140 किलो का मांस जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में राय आशियाना मोतीबाग निवासी मोहम्मद आरिफ अब्दुल रशीद कुरैशी उम्र 35 वर्ष और गट्टी गोदाम निवासी मोहम्मद इस्माइल शेख यूनुस कुरैशी उम्र 35 वर्ष का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ कसाईयों ने मोमिनपुरा सरदार गली में मकान लेकर अवैध कत्ल खाना शुरू किया है। यहाँ गौवंश को काटा जा रहा है। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर विनायक गोले, एपीआई शशिकांत मुसले, कांस्टेबल नजीर शेख, रशीद यूनुस और शिवाजी ने कत्ल खाने पर छापा मारा। तब तक आरोपी गौवंश काट चुके थे। पुलिस को 140 किलो गौमांस बरामद हुआ है। हथियार और वजन काटा भी पुलिस ने जब्त किया है। दोनों आरोपियों को विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। काल पुलिस स्टेशन तहसील से क्राइम पीआई श्री गोले यांना एक गुप्त बातमी मिळाली की मोमिनपुरा सरदार गल्ली येथे कोणीतरी गोमांची विक्री करत आहे। त्यांनी तत्काळ आमची डीबी पथकाला एपीआय मुसळे आणि डीबी पथक यांना सोबत घेतलं आणि सरदार गल्ली येथील गोळाच्या घराजवळ गेले। तिथं अवैधरित्या गोमांस असं पडलेलं होतं। एकोणाचे गोमांस हे त्यांनी इन्क्वायरी केली असता ते गोमांस मोहम्मद आरिफ कुरैशी राहणार मोतीबाग पाचपावली आणि मोहम्मद इस्माईल कुरैशी राहणार गड्डी गोदाम पुलिस स्टेशन सदर या आरोपींचा आहे। त्यांनी तात्काळ ते गोमांस पंचनामा करून जप्त केलं आणि डंप केलं। त्यातले काही सॅम्पलसाठी नमुने म्हणून काढलं आणि तसंच या दोघं आरोपींना अटक केलं। आरोपींनी कुठून गोमांस आणलं किंवा त्यांनी गाई कुठे कापला ही इन्क्वायरी करायची आहे आणि यापुढे कुणी असं अवैधरित्या गाईंचं मांस काटेल आणि विकेल त्यांच्यावर वेळोवेळी कारवाई केली जाईल। एनबीसी न्यूज के लिए अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।